अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माई चैनल किचन रेसिपी। मैं जो रिश्तेदार कलेजी बना रही हूँ, कलेजी मैंने 1 kg ली है और इसके मैंने ऐसे फाइन कटिंग कर ली है। 1 tablespoon मैंने पिसा सूखा धनिया दिया है, 1 tablespoon मैंने लाल मिर्च ली है, 1/2 tablespoon मैंने पिसा गरम मसाला लिया है, आप साबुत भी ले सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी ली है, 1 tablespoon नमक लिया है, ये मैं बाद में ऐड करूँगी इसलिए अलग रखा है, 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं, इसे फाइन कटिंग कीजिएगा, 2 अदद बड़े साइज़ की जो है वो प्याज है, लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो टाइम टू टाइम आपको बताती रहूँगी। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले मैंने प्याज को ब्राउन किया है, अब मैं लहसुन अदरक के पेस्ट को प्याज के साथ अच्छे से भूनूंगी। जब लहसुन अदरक भी ब्राउन हो गया तो मैं टमाटर में नमक के अलावा बाकी सारे ड्राई इन्ग्रीडियंट डाल के पूरी अच्छे से भूनूंगी। जब मसाला अच्छे से भून जाएगा इस स्टेज में मैं कलेजी को ऐड करूँगी। मसाले में कलेजी ऐड करके मैं इसे 1 से 2 मिनट अच्छे से भूनूंगी। जब कलेजी हाफ टर्न हो जाएगी स्टेज में मैं नमक ऐड करके इसको फिर से भूनूंगी। अच्छा, कलेजी में अपना ही जिसमें पानी होता है वो कलेजी का निकला है जब मैं इसे भून रही हूँ। अच्छा, 10 मिनट मैंने कलेजी का जो पानी था उसको कवर करके पकाया है, अब मैं इसे भूनूंगी। कलेजी अच्छे से भून जाएगी इस स्टेज में मैं इसमें 1 प्यारी पानी ऐड करूँगी। मुझे थोड़ा सी इसकी ग्रेवी चाहिए, करी पत्ता और जीरा ऐड करके इसे 5 मिनट जो है वो दम पे रखूँगी। जी 3 मिनट बाद मैं इसमें मेथी, खुश मेथी शामिल करूँगी और 2 मिनट और दम पे रखूँगी। तो कलेजी डन है। जी कलेजी डन है। मेरी इस रेसिपी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।